नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीटफ्लिक्स पे। आज का हमारा टॉपिक है अगेन नॉमेनक्लेचर, लेकिन आज हम बात करेंगे उन हाइड्रोकार्बन्स की जो है अनसैचुरेटेड। लास्ट लेक्चर तक हमने देख लिए थे रूल्स और एक फॉर्मेट देख लिया था जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग में वर्क करता है। अब जल्दी से हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको बना रहा हूं। यस, अब अनसैचुरेटेड है वो कैसे पता चलता है? बिकॉज जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें होते हैं या तो डबल बॉन्ड्स या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स। यहां पे इस पूरी चेन के अंदर कार्बन की अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब एक बार हम सारे रूल्स अप्लाई करते हैं इस मॉलिक्यूल की नेमिंग के लिए। सबसे पहला रूल था सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट पीरियड चेन। अब जब हम आगे जाएंगे हम देखेंगे, अभी हम फंक्शन ग्रुप्स की बात भी करने वाले हैं, तो कुछ ऑथर्स जो होते हैं जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है इनको फंक्शनल ग्रुप ही कंसिडर करते हैं। तो एक रूल होता है कि जब भी आप लॉन्गेस्ट पीरियड चेन को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आना ही चाहिए। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है इन्हें हमें, कहने का मतलब ये कि जो हमारी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन होगी उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसैचुरेशन वो प्रेजेंट होने ही चाहिए। इसका मतलब अब मैं जो भी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सिलेक्ट करूंगा उसमें डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। अब क्लियरली आपको दिख रहा है यहां पर, तो पता है जो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है वो है ये वाली, यही लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है यहां पर। अब इसकी नेमिंग के लिए यहां पे मुझे पता है जो एक कार्बन है उस पे ब्रांचिंग है और एक कार्बन ऐसा है जहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, उसके सिवा हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो एक तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट और एक हो गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से हमेशा ज्यादा होगी, स्पेशली अगर वो क्या है, एक एल्किल ग्रुप है या हैलोजन है। तो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होगी अगर इसकी प्रायोरिटी, तो मैं नेमिंग कहां से करूंगा, नंबरिंग कहां से करूंगा। नेक्स्ट स्टेप मेरा नंबरिंग, पहला तो होगा लॉन्गेस्ट पेयरिंग चेन सिलेक्ट करनी और रूट नेम असाइन करना है। रूट नेम असाइन कर देंगे, लेकिन उससे पहले जो नंबरिंग है, नंबरिंग किस एंड से करूंगा, लेफ्ट से करूंगा राइट से करूंगा, वो डिपेंड करता है कि किस एंड से मुझे डबल बॉन्ड बहुत क्लोज मिलेगा। अब मैं अगर नेमिंग करता हूं लेफ्ट टू राइट, तो जो डबल बॉन्ड है एक बार देख लेते हैं, अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहा हूं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेकेंड पोजिशन पे मुझे डबल बॉन्ड मिलेगा। जो सेकेंड कार्बन है उस पे मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूं राइट टू लेफ्ट, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो मुझे फोर्थ पोजीशन पे राइट से जब नंबरिंग कर रहा हूं तो 1, 2, 3, 4 फोर्थ पोजीशन पे मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो किस एंड से नंबर करूंगा जहां से डबल बॉन्ड क्लोज होगा, और वो है लेफ्ट टू राइट। तो इसकी नंबरिंग कौन सी सही है, जो मैंने पहले करी थी नीचे करी नंबरिंग, वो करेक्ट है। तो मैं नंबरिंग करूंगा लेफ्ट टू राइट, तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले रूट नेम। रूट नेम जो पेरेंट कार्बन है उसमें, जो पेरेंट चेन है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन है उस पर डिपेंड करता है, जो कि हेक्स है। तो रूट नेम तो हो जाएगा इसका हेक्स, ठीक है। अब जो पहला सफिक्स है वो आ रहा था टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन से, ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड है, तो और अनसैचुरेटेड में भी कौन सा है, डबल बॉन्ड वाला है, एल्कीन है, तो सफिक्स क्या होगा, इन। तो इसका सफिक्स क्या होगा, इन। लेकिन लेकिन यहां पे मुझे यह भी बताना है कि वो कौन से कार्बन पर आ रहा है, जो डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन क्या है, मुझे वो भी बताना पड़ेगा। तो पोजीशन क्या है, 1, 2 सेकेंड कार्बन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो जो पोजीशन है मैं वो भी बताऊंगा और वो है 2। तो हेक्स 2-ईन इसका सफिक्स हो जाएगा। हमें एक चीज याद रखनी कि चाहे सब्स्टिट्यूएंट हो या सफिक्स हो, उनका जो पोजीशन है कि वो किस कार्बन पे आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो मुझे सफिक्स में बताना पड़ेगा कि वो सेकंड पोजीशन पे है, ये डबल बॉन्ड।
तो हेक्स टू इन इसके साथ क्या हो गया, जो रूट नेम है और फर्स्ट सफिक्स वो कंप्लीट हो गया। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मैं उनको फंक्शनल ग्रुप्स में भी कंसीडर नहीं कर रहा हूं हमारे लेक्चर्स को इजी बनाने के लिए, बाकी हाँ पहले फंक्शनल ग्रुप मानो ना मानो वो आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4, जो सब्स्टिट्यूएंट है मेरा वो फोर्थ कार्बन पे आ रहा है ब्रांचिंग मेथिल ग्रुप, तो इसका जो फाइनल नेम है वो क्या हो जाएगा, मेथिल है तो मेथिल, लेकिन पोजिशन क्या है फोर्थ, तो कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, 4-methyl-hex-2-E, ये इसका नेम हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं नेमिंग के लिए, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, CH3CH2, मैं यहां पे डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर रहा हूं, और रंग कर देते हैं इसको। अब इस बार मैं डबल बॉन्ड का पोजीशन रख रहा हूं थर्ड कार्बन पे, यस। अब इस एग्जांपल में क्या है, अगेन नंबर नेमिंग करनी है, नेमिंग के लिए पहला स्टेप सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, तो यहां पे जो मेरा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है मैंने सिलेक्ट कर लिया, यही होगा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड का पोजीशन है थर्ड, प्रायोरिटी क्या है मेरी सब्स्टिट्यूएंट की, मेरा जो डबल बॉन्ड है उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, उसका जो हम कह सकते हैं डोमिनेंस ज्यादा है ओवर दिस सब्स्टिट्यूएंट, तो होगा क्या, मैं उसी एंड से नंबर करूंगा जहां से ये क्लोज पड़ेगा मुझे डबल बॉन्ड, बट यहां पर ये 6 कार्बन की चेन है, इसमें चाहे आप इसको नंबर लेफ्ट से राइट करो या राइट टू लेफ्ट करो, डबल बॉन्ड हमेशा थर्ड पोजिशन पे ही आएगा। अब मैं इसकी नंबरिंग कैसे करूंगा, अब डिपेंड करता है, कहीं से भी कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब नहीं पड़ता जब यहां पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता। अब सब्स्टिट्यूएंट भी यहां पर है, अब डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट की साइड से क्लोज पड़ेगा जब मैं नंबर कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट, तो जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है वो फोर्थ कार्बन पे आएगा, राइट, 1, 2, 3, 4, फोर्थ पोजिशन पे आएगा, और अगर मैं नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर रहा हूं तो 1, 2, 3 थर्ड पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो मैं उस साइड से नंबर करूंगा जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज आ रहा है, उस केस में जहां पे डबल बॉन्ड को आप कहीं से भी नंबर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कहां से नंबर करूंगा, यहां से राइट टू लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसका नेम क्या होगा, अगेन सिंपल है, रूट नेम बताना है, रूट नेम क्या होगा इसका, हेक्स, फिर ट्रिपल और डबल बॉन्ड का पोजिशन जो है थर्ड, ओके, और उसका सफिक्स आ जाएगा वो होगा इन। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूएंट और उसका पोजीशन, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, और मेथिल है तो थर्ड, 3-methyl-hex-3, ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 3-methyl-hex-3, ठीक है। अब ऐसे एक बार हम देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग कैसे करेंगे हम, सिंपल सा कंपाउंड है, इसका एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि हम सफिक्स को कैसे यूज करते हैं इनके। अब इसकी नेमिंग अगेन सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, तो देख रहा है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन यही पॉसिबल है, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन 5 कार्बन का चेन बनेगा, कर लेते इसको सिलेक्ट, ये होगी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, ओके। अब जो ट्रिपल बॉन्ड है अगेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो ट्रिपल बॉन्ड है जस्ट लाइक डबल बॉन्ड, इसका प्रायोरिटी हमेशा इन सब्स्टिट्यूएंट्स से ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स में चाहे एल्किल ग्रुप हो चाहे हैलोजन हो, इसका प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड का हमेशा ज्यादा रहेगा। तो नंबरिंग जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो मैं उस एंड से करूंगा जहां से मुझे ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा क्लोज पड़ेगा, इट डजंट मैटर कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका पोजीशन क्या है, किस कार्बन से कनेक्टेड है, इट्स नॉट माय कंसर्न, एज लॉन्ग एज माई प्रायोरिटी इज ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं नंबर कहां से करूंगा, लेफ्ट टू राइट, तो नंबरिंग करने पे जो सेकेंड पोजिशन पे वहां पे आ रहा है मेरा ट्रिपल बॉन्ड और फोर्थ पोजिशन पे आ रहा है मेथिल ग्रुप, तो इसका नेम क्या हो जाएगा,
फोर मेथिल. नेक्स्ट है इसका रूट नेम, प्रीफिक्स मैंने लगा दिया है, रूट नेम हो जाएगा इसका, क्योंकि पांच कार्बन है पेरेंट चेन में, तो हो जाएगा पेंट. उसके बाद जो मेरा ट्रिपल बॉन्ड है उसका पोजीशन है टू. सफिक्स क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए? आइन. एल्काइन्स. जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्काइन, और उसका सफिक्स होता है आइन, वाई एन. तो ये इसका नाम हो गया फोर मेथिल पेंट टू आइन. अब ऐसे आप नेम कर सकते हो, चाहे कितने भी आ रहे हैं आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन दे दिया हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, आप बहुत इजीली नेम कर सकते हो इस तरीके से. एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं जहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे. पहले एक बार डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक कॉमन एग्जाम्पल ले लेंगे दोनों का जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ये हाइड्रोकार्बन बना है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो अनसैचुरेटेड है बिकॉज डबल बॉन्ड आ रहा है और डबल बॉन्ड दो है. अब इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे एक बार वो देख लेते, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप का डबल, मतलब सेम टाइप की अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है लेकिन अलग अलग पोजिशन पे, तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे एक बार वो देख लेते हैं. सबसे पहले अगेन सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हो गई ये वाली, सिंपल. नेक्स्ट है नंबरिंग. अब नंबरिंग में कहां से करूंगा, इसकी नंबरिंग कहां से होगी? सी, अब मैं इसकी नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करूं या राइट टू लेफ्ट करूं, डिपेंड करता है कि साइड से मुझे दोनों डबल बॉन्ड क्लोज मिलेंगे. अगेन लोएस्ट लोकेटेड रूल हम यहां पे यूज कर सकते हैं. जस्ट लाइक अगर मैं इसकी नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर रहा हूं, तो जो मेरा पहला डबल बॉन्ड है वो आएगा सेकेंड पोजिशन पे, और जो मेरा दूसरा डबल बॉन्ड है वो आएगा फोर्थ पोजिशन पे, वन टू थ्री फोर. सब्स्टिट्यूएंट, मैं सब्स्टिट्यूएंट पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा हूं, बिकॉज मेरी प्रायोरिटी क्या है, अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड जिस साइड से क्लोज आएगा मैं वहीं से नंबर करूंगा, तो टू एंड फोर कितना हो गया, सिक्स, जब मैं राइट टू लेफ्ट नंबर कर रहा हूं. अब मैं नंबरिंग करूंगा लेफ्ट टू राइट, उस केस में देखते हैं क्या आता है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. सी, अब यहां पे डबल बॉन्ड की पोजिशन है पहले वाले की तीन, दूसरे वाले की है पांच, together it makes up to 8. तो मैं कहां से नंबर करूंगा, 6 ज्यादा की 8 ज्यादा, 8 ज्यादा है, तो मुझे क्या पिक करना है, लोएस्ट नंबर व्हिच इज 6. तो मैं क्या करूंगा, मैं नंबरिंग करूंगा अगेन राइट टू लेफ्ट, तो इसकी नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी ऐसी, जो ऊपर हमने किया राइट टू लेफ्ट वाला, आई एम सॉरी लेफ्ट टू राइट वाला, वो हो गया यहां पे गलत. अब नंबरिंग हो गई. नेक्स्ट स्टेप है पेरेंट कार्बन के अंदर, और पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है, सेवन, तो मेरा रूट नेम हो जाएगा हेफ्ट. ठीक है, नेक्स्ट है सफिक्स. अब सफिक्स यहां पे डबल बॉन्ड ही है टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन में, तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी पोजीशन देखेंगे, पोजीशन क्या है सेकेंड और फोर्थ. तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहां पर इसका पोजिशन लिखूंगा, वो है टू कॉमा फोर. अब इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इन विच इज सफिक्स ऑफ दिस अनसैचुरेशन, दो बार इन इन लिखने से अच्छा मैं सिंपली उसको नंबर दे दूंगा, बिकॉज ये दो बार आ रहा है तो मैं लिख दूंगा डाई, तो क्या हो जाएगा डाई इन. डाई इन मतलब दो अनसैचुरेशन है, वो भी इन मतलब डबल बॉन्ड है, और पोजिशन क्या है उनका, टू और फोर्थ कार्बन. इससे सिंपली ये पता चल रहा है कि सेम टाइप की अनसैचुरेशन है, जो कि इन से पता चल रहा है डबल बॉन्ड है, और उनका पोजीशन क्या है टू और फोर. दैट्स इट, इससे सफिक्स कंप्लीट हो गया. अब आपको नेक्स्ट फाइनल स्टेप है सब्स्टिट्यूट लिखना है, वो हो जाएगा फोर, सॉरी फोर मेथ और फिफ्थ मेथिल. सो फिफ्थ पोजीशन में मेथिल ग्रुप विच इज फाइव मेथिल हैप्ट टू फोर डायन, इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा. ओके, सुपर सिंपल. अब एक लास्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहां पे. ये एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक
हम सब्स्टिट्यूएंट और लगा देते हैं यहां पे, C2H5 लगाएंगे इसको, ठीक है। अब इसको हम कैसे नेम करेंगे, पहला स्टेप अगेन सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट जीन, तो ये रही लॉन्गेस्ट पेरेंट जीन, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप है नंबरिंग। अब नंबरिंग यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, और जो नंबरिंग है अगर आपको वो करने आ गया तो बस फिर तो इजी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन चीज है यहाँ पे नंबरिंग। अब नंबरिंग यहाँ पे डिफिकल्ट क्यों है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन एक रूल आता है, वो रूल आपको पता होना चाहिए। अब नंबरिंग के लिए क्या रूल है, यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन है, ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड है, लेकिन यहाँ पे अनसैचुरेशन अलग अलग टाइप की है, एक कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड और एक कार्बन पे डबल बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये है कि नंबरिंग में उस एंड से करूंगा जिस एंड से मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है अनसैचुरेशन है वो क्लोज पड़ेगा, लेकिन यहां पे अनसैचुरेशन दोनों अलग अलग है, तो मैं किस एंड से नंबर करूं। अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबर करूंगा तो मेरा ट्रिपल बॉन्ड क्लोज आएगा, और अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबर करूंगा तो सबसे क्लोज अनसैचुरेशन होगी वो होगी डबल बॉन्ड, वो सबसे क्लोज होगा, सेकेंड पोजिशन पे होगा। अब नेक्स्ट ये है कि ट्रिपल बॉन्ड में से और डबल बॉन्ड में से जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी मैं उस एंड से नंबर करना स्टार्ट करूंगा। मतलब अगर मैं मानता हूं कि ट्रिपल बॉन्ड, से फॉर इंस्टेंस कि ट्रिपल बॉन्ड का अगर प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा है तो मैं उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा जिस एंड पे ट्रिपल बॉन्ड क्लोज है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है तो मैं उस एंड से नंबर करूंगा जिस एंड पे डबल बॉन्ड क्लोज पड़ेगा। यही चीज जब हम मल्टी फंक्शनल कंपाउंड की बात करेंगे जहां पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो वहां पर यही प्रिंसिपल ऑपरेट होता है कि जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो जिस एंड के क्लोज होगा मैं उसी एंड को पिक करता हूं और वहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे हमको पता होना चाहिए कि एल्कीन या एल्काइन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, तो हमेशा याद रखना जो एल्कीन होते हैं उनका प्रायोरिटी ज्यादा होता है एल्काइन से। इसका मतलब यह है कि जिस एंड पे डबल बॉन्ड क्लोज होगा मैं उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मैं मान के बैठा हूं एल्कीन्स विच आर डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स वो जिस एंड पे क्लोज होंगे मैं वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड पे, आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कहां से क्लोज है डबल बॉन्ड, लेफ्ट हैंड से, तो नंबरिंग स्टार्ट होगी लेफ्ट हैंड से, जो होगी ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 सात कार्बन की पेरेंट चेन है, तो रूट नेम क्या हो जाएगा, रूट नेम हो जाएगा हेप्ट, ओके। नेक्स्ट है सफिक्स। अब सफिक्स दोनों ऑब्वियसली सफिक्स वन में ही आएंगे, बिकॉज हाइड्रोकार्बन की बात करें तो सैचुरेशन अनसैचुरेशन का सफिक्स सफिक्स वन में आएगा, सफिक्स टू से हमें कोई मतलब नहीं इसमें। तो सबसे पहले सेकेंड पोजिशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो मैं लिखूंगा टू, और सेकेंड पोजिशन पे क्या है इन, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का सफिक्स है इन, तो सेकेंड पोजिशन में मैंने लिख दिया इन। नेक्स्ट है उसके बाद कहां से फिफ्थ पोजिशन पे, इस फिफ्थ पोजिशन पे आ रही है ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं आपको क्या लिखूंगा नेक्स्ट फाइव आइन। सफिक्स तो मुझे दोनों का ही लेना पड़ेगा बिकॉज इनका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है ऐसे, जस्ट लाइक फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे अल्कोहल होता है तो अल्कोहल को जब ऐसा प्रीफिक्स आप यूज करते हो तो हाइड्रोक्सी होता है और उसका सफिक्स लगाते हो तो ओल आता है, लेकिन इस केस में आपको दोनों ही सफिक्स लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले जो डबल बॉन्ड है उसका आएगा आ गया टू इन, फिर जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है फिफ्थ पोजिशन पे आ जाएगा उसका आ जाएगा आइन, ठीक है। तो इसके साथ आपका सफिक्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट बचा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है थर्ड पोजीशन पे एथिल ग्रुप है, तो नाम क्या हो जाएगा थ्री एथिल, फिर हैप टू ई फाइव आइन, नाम क्या है इसका थ्री एथिल हैप टू ई फाइव आइन, ओके। सो सक्सेसफुली आपने इस कंपाउंड का नेम याद कर लिया, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताना चाहिए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक साथ आ जाए तो मैं कैसे नेमिंग करता हूं, कैसे नेम करने वाला हूं, किसे मैं पहले प्रायोरिटी दूंगा, कहां से मैं नंबरिंग करूंगा, और वो आपको पता चल जाएगा
अगर आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे तो आपकी नंबरिंग इजी हो जाएगी और वहां से आप नेम कर लोगे। सो ओके, सो आज के लेक्चर में हमने जो देखा एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। तो समराइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका टेक होम होने वाला है वो ये है कि एक कंपाउंड ले लेते हैं, मान लेते हैं उसमें मल्टीपल अनसैचुरेशन है, दो डबल बॉन्ड है, तो आप नेमिंग कैसे करोगे? अगेन सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, फिर आप नंबर करोगे उस एंड से जहां से वो दोनों अनसैचुरेशन, दोनों डबल बॉन्ड्स क्लोज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप नेम स्टार्ट करोगे, रूट नेम दे दोगे। सफिक्स में आपको ये ध्यान देना है कि क्योंकि दोनों एक ही टाइप की अनसैचुरेशन है, दोनों डबल बॉन्ड है, तो पहले आप उनका नंबर लिख दो जो भी उनका पोजिशन है, उसके बाद हाइफन लगा के क्योंकि दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन लिख देना। अगर ऐसे एक कंपाउंड में तीन डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी यही चलता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो प्रायोरिटी हमेशा किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। इसका मतलब जिस एंड पे डबल बॉन्ड क्लोज होगा उसी एंड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप उन्हें नेम दे दोगे। सफिक्स दोनों का आएगा, डबल बॉन्ड का भी आएगा, ट्रिपल बॉन्ड का भी आएगा विद देयर पोजिशन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।